इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा, ना कोई इश्क समा। एक तेरे इश्क बिना उड़ गए सब जहां, उड़ गए सब जहां। इश्क बड़ा रे सबर में, इश्क लोक अलो को ये लक्षण जो
श्री प्राणनाथ श्री महाराज कुमारी श्यामायुग पर पल पल उसको फॉलो करते हैं और तभी ये सारा कुछ संगठन जो कि हर देश में अवश्य होना चाहिए। दूसरा सवाल है, धर्म प्रेमी जन परमात्मा को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, तो क्या परमात्मा एक से अधिक है? ऐसा तो परमात्मा का जहाँ तक विषय आता है, मूल ग्रंथों में देखते हैं तो वहाँ भी हमारे हिंदू संस्कृति में मूल ग्रंथ वेद हैं, उसमें भी लिखा है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। और वही बात यदि कुरान में देखते हैं तो वहाँ भी लिखा है कुल हु अल्लाह अहद। और यदि बाइबल को देखते हैं तो वहाँ भी हमें यही मिलता है कि द सुप्रीम ट्रुथ गॉड इज ओनली वन। और यदि गुरु नानक देव जी की वाणी से देखते हैं तो वहाँ भी यही मिलता है कि नानक एको सुमरिय। पर उस एक को दुनिया ने खोजा तो सही, वेदों ने खोजा, कतेबों ने खोजा, शेष महेश दिनेश ने खोजा, पर वह अपरंपार शक्ति इस ब्रह्मांड से परे होने के कारण से किसी को आज दिन तक उसका जो ज्ञान नहीं मिला, तो फिर लोगों ने अपने अपने अनुमान के साथ जो है कहा तो उसी के लिए, लेकिन जहाँ तक जिसकी पहुँच हुई सो तो तेता ही बोलिया, जो गया जहाँ लो चल, अपने अपने मुख से बयां करी मंजिल। इसलिए जुदा जुदा रूप, जुदा जुदा ढंग, जुदा जुदा नाम रख करके उन्होंने जुदा जुदा कर डाला। अन्यथा वो भी यही कहते हैं कि परमात्मा सबका एक है, पर जब तक उस एक की उनको पहचान नहीं तो अपने अपने ही ज्ञान से जुदा जुदा कर बैठे हैं। लेकिन परमात्मा है वो हकीकत में सबका एक है, जो कि सब ग्रंथों में अनादि अक्षादि कहा है। तीसरा प्रश्न है, क्या निजानंद संप्रदाय में मूर्ति पूजा का निषेध है? कुछ प्रणामी जन बागा वस्त्र मुरली मुगट की सेवा पूजा भी करते हैं, हकीकत में हमें किसकी सेवा पूजा करनी चाहिए, क्यों और कैसे? जहाँ तक निजानंद संप्रदाय में बागा वस्त्र मुकट और मुरली की सेवा का क्वेश्चन आता है, ये सतगुरु श्रीधनी देवचंद जी को हरदास जी महाराज ने भोजनगर के अंदर तब दिया था जब बालमुकुंद जी की मूर्ति देने के लिए उन्होंने निश्चित कर लिया था, तो उस रात ही मूर्ति जो है आलोप हो गई। तब हरदास जी की तपस्या करने पर और स्वयं अखंड योग माया में से बालमुकुंद जी ने आकर हरदास जी को बताया कि तू जिनके घर मुझे भेज रहा है हम इनके एहसान भी नहीं उतार सकते, क्योंकि यही श्री कृष्ण और राधा जी ने आके मेरे तन में बैठकर 11 साल और 52 दिन तक लीला करके मुझे भव सागर से पार किया है, और हम तो उठ करके इनको नित्य प्रति जो है प्रणाम करते हैं। और इसके साथ साथ सतगुरु श्रीधनी देवचंद जी ने अपने गांव उमरकोट में भी 4 वर्ष तक बराबर मूर्ति की पूजा करके देखा, तो इसलिए मना किया है कि मूर्ति एक भले भगवान का स्वरूप लोग अपने भाव से बनाते हैं, लेकिन भगवान जो है इंसानों को बनाता है, इंसान का बनाया हुआ भगवान जो है वो कभी भी हमें कुछ दे नहीं सकता। इसलिए मूर्ति तो एक भाव के वास्ते है, ना कि पूजा के वास्ते होती है। और फिर जहाँ तक बागा वस्त्र का सवाल है, सतगुरु श्रीधनी देवचंद जी महाराज ने बागा वस्त्र को लाकर तब तक ही पूजन किया। पूजन का मतलब क्या कि वो पूजा तो नित्य वृंदावन के बांके बिहारी जी की किया करते थे, जिनकी उनको दीक्षा मंत्र मिला था, भाजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, और उस भाव से चित्तवन किया करते थे भोग सामने धरा करके। और उसके बाद
जब श्याम जी के मंदिर में उनको श्री राजीव राय ने साक्षात दर्शन दिए, परम धाम के स्वरूप की पहचान कराई और ब्रिज रास की सारी लीलाएं बताकर और आत्माओं के जागनी का काम बताकर उनके हृदय में साक्षात विराजमान हो गए, तो उस दिन के बाद गांगजी भाई उनको अपने घर ले गए, तो देवचंद जी ने उसके बाद कभी भी बागा वस्त्र की पूजा करने का सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि जब साक्षात श्री राजीव राय के साथ संबंध जुड़ गया और राजीव राय उनके हृदय में विराजमान हो गए तो फिर वो किसके बागा वस्त्र की सेवा करते। अब जो इस समय बात है वो हम बागा वस्त्र की सेवा नहीं करते हैं, बागा तो एक श्रृंगार है जो हम सुरसाब के ऊपर चढ़ाकर और उस भाव से परम धाम का जो श्रृंगार है वो लेकर के हम राजीव महाराज का स्वरूप मान के, क्योंकि उसका नाम ही कुलजुम सुरसाब का स्वरूप साहिब है, तो अपने साहिब को श्रृंगार जो कराकर हम पूजा करते हैं तो पूजा स्वरूप साहिब की करते हैं, क्योंकि स्वामी श्री प्राणनाथ जी के गादी पर श्री बंगला जी पद्मावतीपुरी में उन्हीं के स्वरूप साहब को गादी अभिषेक किया गया था, हम उनको प्राणनाथ जी का स्वरूप मानकर पूजा करते हैं और ऊपर जो वस्त्र पहनाते हैं श्रृंगार कराते हैं उसकी पूजा तो नहीं होती, पूजा जो स्वरूप साहब है उसकी होती है और वही मार्ग हमको श्री प्राणनाथ जी ने दिया है, हम सबको उसी की ही पूजा करनी चाहिए। तीसरा सवाल है, अमेरिका में आकर आपने भक्ति शक्ति और प्रेम इस विषय पर ज्यादा चर्चा की, इस पर कुछ प्रकाश डाल। भक्ति जो होती है वो शरीर के साथ की जाती है और फिर भक्ति उसकी की जाती है, सुमरण उसका किया जाता है, भजन उसका किया जाता है जो हमसे जुदा होता है। जैसे सृष्टि के अंदर भगत और भगवान के संबंध होने के कारण से ही सब धर्मों के अंदर कोई नवधा प्रकार की भक्ति से, कोई अष्टांग योग की भक्ति से, प्राणायाम की भक्ति से भक्ति जो करते हैं वो भक्ति ठीक है इस ब्रह्मांड के अंदर, और उसके बिना यहाँ के जो त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि प्रभु भगवान हैं उनकी प्राप्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ के लोग जितने भी हैं भक्त जन ऋषि जन मुनि जन गुरु जन वो सब मृत लोक में रहते हैं और जितने भी यहाँ के भगवान परमात्मा हैं वह स्वर्ग और वैकुंठ में रहते हैं, इस कारण से उनके नाम और नाम के सुमरण करने की जो विधि है इसलिए लोग जो है भक्ति करते हैं, तो उस भक्ति से उनको बुलाया जा सकता है जो हमसे जुड़ा है। फिर बाकी उसके बाद भक्ति जो है कई प्रकार की है, जिसमें सखा भाव इत्यादि, मित्र भाव और अर्चना भाव और दास भक्ति है, ये सारी भक्तियाँ जो है वैकुंठ तक के नवधा प्रकार की भक्ति है, और इससे लोगों को क्या प्राप्त होता है, मनोकामना पूर्ण होती है और उसके साथ साथ शक्ति मिलती है, तो जो शक्ति होती है वो हृदय में निश्चय करके अहम पैदा करती है, और जो प्रेम होता है प्रेम के अंदर ना स्वार्थ होता है ना अहम होता है, प्रेम एक भाव से ही हो सकता है, यदि उस प्रेम के अंदर कुछ भी स्वार्थ है या कुछ भी हमारी चाहना है तो वो प्रेम प्रेम नहीं कहलाता। प्रेम मार्ग जो है वो व्यास जी ने भी कहा है, सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम ना त्रैगुण पास, ये त्रैगुण और पांच तत्व की जो सृष्टि है इसके अंदर अनन्य प्रेम का जो लक्ष्य है जो हमारे ग्रंथों में भी बराबर कहा है, गीता में भी कहा है लभ्यस्तु भक्त्या अनन्या, और वही गोपियों के प्रेम की जो लीला है वो नवदा की भक्ति से बाहर है, और वहाँ जो नवदा की भक्ति यानी वैकुंठ चौदह लोक पांच तत्व तीन गुण से आगे जब हम चलेंगे तो वहाँ फिर आत्म तत्व स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम अखंड तत्व कहते हैं, और जिसको अखंड वहाँ का हर चीज अखंड है, इसलिए वहाँ के हर तत्व का नाम भी कृष्ण तत्व रखा गया है, और वहाँ से फिर आगे जो है अखंड से आगे जो है आनंद और प्रेम की शक्ति है, और वो प्रेम भक्ति जो है प्रेम का जो रूप है वो सदा एक है,
और प्रेम जहाँ पर है वही परब्रह्म है, और जहाँ परब्रह्म है वहीं पर प्रेम है, और वहीं पर ही वननेस, एक रूप, एक नाम, एक लीला, एक स्वरूप होता है। और एक स्वरूप के बिना हुए कभी भी प्रेम की प्राप्ति हो नहीं सकती। इसलिए पार ब्रह्म को पाने के लिए प्रेम के बिना दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। और ये जो भक्ति और शक्ति है, ये संसार की अपने स्वार्थ पूर्ण करने के लिए, या यहाँ के जितने भी भगवान प्रभु हैं जिनके पास जुदा जुदा प्रकार से शक्तियाँ हैं, उनको पाने के वास्ते भक्ति करनी ही पड़ेगी। और यदि पार ब्रह्म और अपनी आत्म का हम मोक्ष चाहते हैं तो पार ब्रह्म के प्रेम के बिना और कोई मार्ग शास्त्रों में भी नहीं कहा। गुरु शिष्य और सुंदर साथ, इन संबंध का, इसका संबंध श्री प्राणनाथ जी की श्रीमुख वाणी से समझाइए। गुरु और सुंदर साथ का जो संबंध है, तो गुरु तो सुंदर साथ के होते हुए भी, होने पर भी हमको धारण करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु के बिना कोई भी रास्ता दिखाने वाला है नहीं। जो स्वामी जी ने वाणी में भी कहा है, यदि मोह जल से तृषा भाजे, अर्थात जो मृग तृष्णा है, उस चमकती हुई रेती और बालू से यदि पानी मिल सकता है, तो गुरु के बिना भी प्राणी भव से पार हो सकता है। जिस तरह से वो इम्पॉसिबल चीज़ है कि वो तो एक रेत बालू की चमक होती है, लेकिन मृग उसको समझता है कि जल है। इसी तरह से यदि कोई यहाँ का जीव समझे कि मैं गुरु के ज्ञान के बिना भाव से पार हो जाऊंगा, तो ये बहुत मुश्किल बात है, और ना ही आज दिन तक हुआ है। स्वामी जी ने भी आके कहा, क्या कि श्री महामति कहे, गुरु सोई कीजे जो अलख के देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। फिर गुरु भी उन्होंने बताया कि गुरु कंचन, गुरु पारस, गुरु चंदन प्रमाण, तुम सतगुरु दीपक भय। अब दूसरे गुरुओं में और सतगुरु में बड़ा अंतर होता है कि जैसे गुरु कंचन है, हमारे मुख पर कोई तालस लगी जिसको हमारी आंखें नहीं देख पाती, हम अपने जैसे अवगुण नहीं ढूंढ सकते हैं, अवगुण दूसरों के हमें बहुत जल्दी नजर आते हैं, तो हम कांच के पास जाते हैं कंचन के पास। तो कंचन के पास जाते ही हमारे जितने भी ब्लॉट या कोई तालस है तुरंत नज़र आ जाती है। तो वो कंचन क्या करता है, हमें हमारे अवगुण बताता है, तुरंत हम उसको साफ करते हैं। इसी तरह संसार में गुरु हैं, वो हमारे अवगुण निकालते हैं, और लेकिन क्या करते हैं कि जिस तरह से एज लाइक कंचन हमारे अवगुण बना के निर्मल तो करेगा, लेकिन कंचन हमें कंचन नहीं बना सकता, वननेस नहीं ला सकता। इसी तरह से दूसरी फिर काइंड क्या है कि गुरु पारस। पारस में क्या गुण है कि सड़े से सड़ा, पुराने से पुराना लोहा भी है, उसके साथ रगड़ दें तो सोना तो कर देगा, वननेस करके हमें पारस नहीं वो बना सकता, द्वैत रह गए, हमें एक रूप नहीं दे सकता। और उसके बाद गुरु चंदन प्रमाण, चंदन के पेड़ में, पेड़ की सोहबत में आप एक बबूल का पेड़ लगा दीजिए, तो उसकी सोबत से चंदन के अंदर ये गुण है कि आजू बाजू में जो कोई भी होगा उसके अंदर अपनी सुगंधी तो भर देगा, अर्थात अपना जैसे गुरु की सोबत में कोई रहे तो उसकी सेवा करने से वो ज्ञान तो दे देगा। लेकिन जैसे चंदन बबूल के पेड़ को चंदन का वृक्ष नहीं बना सकता, वननेस नहीं कर सकता, इसी तरह से यहाँ के जितने भी गुरुजन हैं वो ज्ञान दे के निर्मल करते हैं, गुण भरते हैं, लेकिन वो जो गुण उनके अंदर अपना है वो किसी भी अपने चेले को गुरु नहीं बनता देख सकते, द्वैतवाद में ही रहते। लेकिन श्री प्राणनाथ जी ने आके क्या किया है, हमको अपने समान बनाया, वननेस दी, और उन्होंने वाणी में प्रतिज्ञा भी की, सब साथ करूं मैं आप सा तो मैं जाकी परमान। फिर बीतक साहब में जब स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज सूरत के अंदर हैं, तो वहाँ पर
वेदांत के आचार्य भीमबाई और श्याम भट्ट को भी जब वेदांत से उन्होंने जगा कर पारक्षातीत की पहचान कराई, तो उसके बाद वहाँ पर विट्ठल जी भाई जो के वल्लभाचार्य मार्ग के आचार्य थे, उनके एक शिष्य मोहन जी भाई दलाल थे, वो स्वामी जी के आकर के जब ज्ञान चर्चा सुन करके अपनी आत्म को जगाया, उनको धाम की धनी पहचान करके, तब फिर वो जाकर के पहला जो उनका गुरु गोसाई जी वल्लभाचार्य मार्ग के आचार्य थे उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि यदि श्रीमद् भागवत के 40 प्रश्न तुम्हारे महाराज स्वामी जी महाराज प्राणनाथ जी उत्तर दे देंगे तो मैं भी गादी छोड़कर उनका शिष्य बनूंगा। तो मोहनदास उनको ले क्या रहे, तो स्वामी जी से आके विनती की कि स्वामी जी, गोसाई जी कहते हैं कि यदि 40 प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे स्वामी जी दे देंगे तो हम भी तारतम ले लेंगे, इस वास्ते ये 40 प्रश्न श्रीमद् भागवत के हैं और आप इनका उत्तर दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा, ए मोहनलाल भाई, मैं क्यों उत्तर दूं, तुम क्यों ना उत्तर दे, तुम्हारे पास भी तारतम है और मेरे पास भी तारतम है, मेरे पास कोई विशेष तो मैंने बचा के ही नहीं रखा है जिसके मैं वो करूं। तो कहने लगे स्वामी जी, फिर आपकी आज्ञा? कहने लगे हाँ आज्ञा है। वो पगे लगा, स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया और वो 40 प्रश्न जिसका उत्तर व्यास जी महाराज राजा परीक्षित को नहीं दे सके, स्वामी जी ने अपने समान बनाए हुए अपने साथी के द्वारा विट्ठल जी भाई जो गोसाई थे वल्लभाचार्य मार्ग के, जब उत्तर दिलवा दिया तो हैरान हो गए कि ये मेरा ही शिष्य पहले कुछ दिन था और ये यदि व्यास जी जो उत्तर नहीं दे सके उसका उत्तर दे रहा है, तो ये तो लिखा है कि ग्रंथों में ये शक्ति पार ब्रह्म और उनकी आत्माओं के अंदर आएंगी, तो निश्चय ही श्री प्राणानंद जी अक्षातीत हैं जिन्होंने सब साथियों को अपने समान बना के एक वननेस किया है। और उसके बाद औरंगाबाद के अंदर भी बीतक साहब में आता है कि जान मोहम्मद जब फतेहउल्लाह को लेकर के आया तो मोहम्मद साहब की 40 हदीसों के प्रश्नों के बारे में भी यही चर्चा हुई, तो फतेहउल्लाह ने कहा था कि ए जान मोहम्मद, यदि जिस विरागी को तुम इमाम मेहंदी कहते हो वो 40 हदीसों के मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा और उसमें अल्लाह ताला की सूरत का बयान है जो मोहम्मद साहब ने सबसे बड़ा प्रमाण बताया था कि खुद खुदा की जो पहचान देता है वो खुद खुदा ही होता है, कि जो अल्लाह ताला तब दुनिया में जाहिर माना जाएगा जो अपनी सूरत का बयान करेगा। यदि इन हदीसों के मायने तुम्हारे वैरागी जिसको तुम इमाम मेहंदी प्राणनाथ जी को कहते हो उत्तर दे देंगे तो मैं भी उनको अल्लाह ताला ही मानूंगा। इसी तरह से जान मोहम्मद जब उनको लेके आया तो स्वामी जी ने जान मोहम्मद को कहा, जो बीतक सामे औरंगाबाद के प्रसंग में स्पष्ट आता है, क्यों भाई जान मोहम्मद, हम क्यों इनका उत्तर देवे, तुम क्यों ना उत्तर देवो, तुम्हारे पास भी राजी के तारतम ज्ञान की शक्ति उनके साक्षात स्वरूप की शक्ति है और मेरे पास भी वही कुछ है, मेरे पास कोई तेरे से अधिक तो नहीं है, तो तू क्यों ना इसका उत्तर दे। तब उसने शीश झुकाया, स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया, तो उन प्रश्नों का उत्तर जो मोहम्मद साहब उस समय दुनिया को नहीं दे सके, स्वामी जी के आशीर्वाद से वह जान मोहम्मद और स्वामी जी एक स्वरूप सबको नजर आए और उन्होंने आशीर्वाद से 40 उन आयतों के हदीसों के मायने खोले और उस पर जो है जिससे जो है वो फतेहउल्लाह भी झुक गया। अर्थात एक ही नहीं, छत्रसाल जी को चल के देखिए, स्वामी जी ने वो शक्ति बख्शिश कर दी, हुक्म दिया परम धाम का और इस दुनिया का, पूजन करके अपने समान वहां सुंदर साथ को विधि बताई कि स्वामी जी ने जिसको भी तारतम दिया अपने समान उसको बनाया, ना कि जुदा किया, क्योंकि परम धाम में श्री राज जी, श्यामा जी और सखियां जो हैं, ये आत्माएं जो परम धाम की हैं, ये सब उस अक्षातीत श्री राज जी महाराज का एक स्वरूप हैं। श्यामा जी आनंद अंग और उनके आनंद अंग के अंग जो सखियां आत्माएं जो परम धाम, आज हम सुंदर साथ श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ हैं, ये सब एक अंग एक स्वरूप एक रूप है, जिस भेद को आकर के हमें तारतम ने बताया
कि हम राजजी महाराज के अंग श्यामा जी के हैं और श्यामा जी राजजी महाराज के अंग हैं, तीनों मिलकर के एक अंग स्वभान श्री राजजी महाराज का है। ये ज्ञान श्री प्राणनाथ जी के बिना दुनिया में कोई लाया नहीं, इसलिए श्री प्राणनाथ जी के ज्ञान से जब हम किसी भी सुंदर साथ को तारतम देखते हैं तो वहाँ गुरु शिष्य का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारा संबंध परम धाम का है। हाँ, ज्ञान देने वाले को दुनिया में कहा जाता है कि जो ज्ञान देता है तो गुरु होता है, इसलिए स्वामी जी ने भी गुरु शब्द किया है कि उसको गुरु धारण करो जो क्या करे, पिया प्रेमे करे सन्मुख, कि इस दुनिया की उल्टी रीति से हटाकर पिया का प्रेम का स्वरूप क्या है, वन ऐसा एक स्वरूप है, एक तत्व है, एक रूप है, एक अंग हम राजी महाराज के हैं, ये भाव हमको सतगुरु श्री प्राणनाथ जी महाराज धाम के धनी ने खुद आके दिया। इसलिए हम जो है हमारे इस निजानंद संप्रदाय में जो स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने दिया है दुनिया को कहने के लिए, हर कोई कहेगा कि हमने गुरु धारण किए हैं, लेकिन गुरु धारण करने का मतलब क्या है कि उसके माध्यम से हमें श्री राजजी महाराज के स्वरूप की, हमारी आत्मा के स्वरूप की, हमारे परम धाम के स्वरूप की, हमारा सुंदर साथ का एक अंग का भाव होने के नाते से ये औलखान जो होती है तो इसमें परम धाम का संबंध होता है, जिससे हमने को तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान, वननेस का ज्ञान है। ये ज्ञान दुनिया के धर्मों में नहीं है, वहां गुरु और शिष्य का द्वैतवाद का भाव है, ये अंतर। आपकी चर्चा में हमने सुना कि आप श्री देवचंद्र जी को श्री प्राणनाथ जी के गुरु के रूप में स्वीकारते नहीं हो, ऐसा क्यों? दरअसल बात ही है कि जिनको हम श्री प्राणनाथ जी कहते हैं वो साक्षात अक्षरातीत पार ब्रह्म है। जैसे कि हम चौपाई हर रोज बोलते हैं, श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री में राज सुना, तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। तो श्याम जी के मंदिर में श्री प्राणनाथ अक्षरातीत श्री राजजी महाराज ने ही तो आकर सतगुरुदेव चंद जी महाराज को दर्शन दिए, परम धाम का संबंध बताया, उनको नाम बताया कि नाम तुम्हारा सुंदर भाई है, परम धाम के श्यामा जी हूँ और मैं अक्षरातीत पार ब्रह्म हूँ, तुम्हारा धनी हूँ, और सब भेद बताने के बाद, समझाने के बाद उनके हृदय में जब विराजमान हो गए तो उस दिन से धनी देवचंद जी प्राणनाथ स्वयं बन गए, क्योंकि अक्षातीत श्री राजजी महाराज ने आके देवचंद जी का स्वरूप धारण किया, जो हम रोज रोज संध्या आरती बोलते हैं, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो कोलखे ब्रह्मानंद रसरंग, इसका भेद कौन जान सकता है श्री राजजी महाराज और आत्माओं के बिना। अब प्राणनाथ तो एक हैं, दो तो हो नहीं सकते, तो देवचंद जी के तन में साक्षात प्राणनाथ जी बैठे हैं, जो के प्रकाश गुजराती में क्लियर क्लियर कितनी चपहियों में साफ लिखा हुआ है। और इधर क्या है, मिराज ठाकुर के तन में इंद्राती की आत्म है। तो जब गांग जी भाई की बड़े लड़के श्याम जी की पत्नी अज भाई की बुआ जो थी, वो मेरा ठाकुर जी की बड़ी भाभी है, उसके माध्यम से इस घर में तारतम जाता है। जब गांग गोवर्धन ठाकुर जो इनके बड़े भाई थे मिराज ठाकुर के, पहले वो आए, उन्होंने अपना मूल संबंध समझ करके श्री राजजी महाराज के चरणों से अपनी आत्म का संबंध जोड़ा, जिसको हम तारतम लेना कहते हैं। तारतम कोई जो है हम सुंदर साथ के वास्ते क्या है कि मैं कौन हूँ, मेरा धनी कौन है, और वो संबंध हम हृदय में जागृत करते हैं उनका स्वरूप भाव लेकर। तो उस चर्चा को सुनकर मेरा ठाकुर के अंदर जो आत्म इंद्रावती थी वो तड़प उठी, और फिर बड़े भाई के साथ साफ वीतक साहब में आता है और प्रकाश गुजराती हिंदुस्तानी में आता है, तब मेरा ठाकुर अपने बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर के साथ गए और उन्होंने जाकर के शीश झुकाया। तब
सतगुरु देवचंद जी के तन में बैठे हुए श्री राजी महाराज प्राणनाथ जी ने उनकी आत्म को परखा, और वो जो कार्यक्रम था कि इस देवचंद जी के तन को छोड़कर इस तन में सारा काम होना है, तो उस दिन महाराज ठाकुर चरणों में आके लगे, ना के प्राणनाथ लगे। यदि हम ये कहते हैं तो क्या फिर प्राणनाथ दो हैं? यदि दो प्राणनाथ बनाते हो तो देवचंद जी के तन में तो ऑलरेडी प्राणनाथ श्री राजीव महाराज ही विराजमान है, तो फिर ये तो क्या प्राणनाथ के चरणों में आके झुकेगा क्या? आप विचार करिए ना, खुद विचार भी करिए। तो उस समय तक एज लाइक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मोतीलाल नेहरू जी के घर जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए, उस समय हमारा देश प्रतंत्र था, गुलाम था। क्या उस दिन मोतीलाल नेहरू ने यह डिक्लेयर किया कि भारतवासियों चिंता ना करो, मेरे घर प्राइम मिनिस्टर पैदा हो गया? जवाहरलाल नेहरू पैदा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर एक शक्ति का नाम है। वो कब बने? जब 47 में स्वतंत्रता मिल गई और कांग्रेस कमेटी ने मिल करके उनको वो पद देके शक्ति दे दी। तो महाराज ठाकुर जन्मे, अंदर इंद्रावती की आत्मा ने प्रवेश किया। जब सतगुरु श्रद्धानी देवचंद जी ने तन छोड़ा तो उनके तन में दो शक्तियां थी, श्यामा जी और श्री प्राणा जी। राज्य महाराज ने जो प्रवेश किया था वह युगल स्वरूप उठ करके उनके तन में प्रवेश हुआ, और यही प्रमाण कुरान में भी लिखा था, जब आखिर जमा इमाम एंदी हवसे में जाकर के बैठेंगे तब अल्लाह ताला की मेहर से आसमान से मिश्री की ईंटें गिरेंगी, और जो उन मिश्री को खाएगा वो अर्श अज़ीम में चला जाएगा। तो अब ये सारे ग्रंथों के प्रमाण भी तो लेने हैं। जब हवसे में गए, इंद्रावती के आत्म ने रुदन किया तो सतगुरु श्रद्धानी देवचंद जी ने साक्षात राजीव राय के साथ उनको दर्शन दिए, और फिर उनके हृदय में युगल स्वरूप विराजमान हुए। तो उसी प्रसंग प्रकरण में अंत में क्या लिखा है कि हवसे में कौन गए? महाराज ठाकुर। और निकले कौन? यही हादी, यही मेहंदी, यही इमाम, यही प्राणनाथ उस दिन से बने, और उनको हम प्राणनाथ कहते हैं। जो तन है वो प्राणनाथ में है। श्री प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ ए बॉडी, श्री प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ ए गुरु, श्री प्राणनाथ अनादि अक्षातूत पार ब्रह्म को कहते हैं, ना कि किसी बॉडी को कहते हैं। तो जिस तन में पहले वो बैठे, तो सतगुरु देवचंद जी के तन में बैठे, तो उस दिन से, जिस दिन से श्याम जी के मंदिर में उनके तन में बैठे, तो उस दिन से हम उनको क्या कहते हैं? धनी श्री देवचंद जी महाराज। धनी कहो, प्राणनाथ कहो, एक ही बात है। तो वो एक है, दो तो नहीं? फिर आपने ये प्रश्न कैसे कह दिया? आप बताइए, मैं भी तो प्रश्न पूछूं कि प्राणनाथ प्राणनाथ के चरणों में कैसे झुकेगा? प्राणनाथ तो सतगुरु देवचंद जी के तन में विराजे हैं, तब तक वो टिल हिज महाराज ठाकुर और इंद्रावती की आत्म, जो उन्होंने स्वयं उसी दिन परखी कि ये इंद्रावती की आत्म है। वो किसने परखी? देवचंद जी के तन ने नहीं परखी, अंदर धनी जो श्री राजीव राज प्राणनाथ बैठे हैं। इसलिए जो है, जो अभी तक इस भेद को वाणी से नहीं समझ सके, वो कुछ भी कहे, उनकी अपनी विचारधारा है, और वाणी से स्पष्ट है कि प्राणनाथ जी सतगुरु देवचंद जी के तन में विराजमान थे, और उनके चरणों में जो आए वो महाराज ठाकुर इंद्रावती की आत्म थी। आपकी चर्चा में आप जीव और आत्मा को अलग अलग बताते हैं, जबकि अपने ही संप्रदाय के अन्य धर्म प्रचारक जीवात्मा ऐसे शब्द का प्रयोग करके इन दोनों को एक ही बताते हैं। प्राणनाथ जी के तात्म ज्ञान के प्रकाश में ये बात समझाइए। वाणी में और आरती में हम रोज ये बोलते भी हैं, खीर नीर का किया निवेरा। और जहाँ तक इस चीज का बात का क्वेश्चन है, ये संशय तो हमारे गीता भागवत और ग्रंथ भी मिटा देते हैं। स्वयं भगवान विष्णु 16 कला संपूर्ण अर्जुन को कहते हैं, ममैव जीव अंशो जीव भूता जीव लोके सनातना। जीव लोके का अर्थ साफ होता है कि ये सारा लोक जीव सृष्टि है, हूँ पोते एक जीव सु, और मेरा ही अंश सबके अंदर है। और उन्होंने स्पष्ट कहा, खुद
कि कर्म करता कर्म भोगता जो कोई है वो जीव है, आत्मा कर्मों से और इन चीजों से रहता है। ये ज्ञान तो पहले ही ग्रंथों में था, पर फिर भी लोग इसकी क्लैरिफिकेशन क्लियर वे से जब नहीं कह सके तो श्री प्राणनाथ जी ने आके क्या कहा, भी कहूं बेवरा वासना जीव का जाके जुदे जुदे हैं ठाम, ठाम में ठिकाना घर। वासना को ही आत्मा कहा है। हाँ, वासना को ही आत्मा कहा है। वासना हमारा वाणी का शब्द है, आत्मा हिंदी का शब्द है, रूह जो है वो कुरान का उर्दू का शब्द है और सोल जो है वो अंग्रेजी का शब्द है, बात एक ही है। तो स्वामी ने कहा भी बेवरा, डिटेल डिफरेंस बताता हूँ, वासना जीव का कि इनके अंदर अंतर क्या है, कि जीव का घर है नींद में और वासना घर श्री नाम, कि आत्माएं जो हैं वो परम धाम से आई हैं, उनके पर आत्म जो मूल तन वो मूल विलावे में बैठे हैं, वो ना बनते हैं ना मिटते हैं ना जन्मते हैं ना मरते हैं अकॉर्डिंग टू सारे ग्रंथों के प्रमाण से। और वही चीज जो है कि जीव जन्मता है इसलिए उसका घर नींद में है, वो कर्म करता है भोगता है, और ये ग्रंथ भी कहते हैं जिसको स्वामी जी ने आकर के क्लियर कहा है। अब यदि कोई धर्म प्रचारक करता है तो वो अपने ज्ञान से उसको सुधारे, ये उसका काम, ये मेरा। श्री प्राणनाथ जी को जब कुछ प्रणामी जन प्रभु महाप्रभु या तो भगवान ऐसा कहकर पुकार देते हैं तब आप नाराज होते हैं, ऐसा क्यों? ये तो तारतम से बात क्लियर हो जाती है कि तारतम ने आके तीन प्रकार की सृष्टियों का उद्धार करना, तारतम एक है, तारतम दो नहीं हो सकते। परम धाम से आज दिन तक जो गीता में भी कहा कि हे अर्जुन, यदि पार ब्रह्म के स्वरूप को पहचानना है तो पराशक्ति के बिना पहचाना नहीं जा सकता। क्यों? पराशक्ति जो है वो किसको कहते हैं? वो जागृत बुद्ध को कहते हैं। और ये सारा संसार जो है वेद की तृतीय स्तुति में लिखा है कि वेद और संसार जो है वो स्वप्निक बुद्धि से है, और वो जो पारब्रह्म को समझने वाली शक्ति है वो जागृत बुद्ध है। और यही चीज वैवर्त पुराण में भी लिखी है कि तारतम ये न जानाति सच्चिदानंद लक्षण। जब तक तारतम ज्ञान दुनिया में नहीं आ जाता तब तक सच्चिदानंद का लक्षण का मतलब क्या, उसका नाम धाम स्वरूप और लीला जब तक हम समझ नहीं सकते तो हमारा रिलेशन उसके साथ क्या है ये हम पहचान नहीं सकते। तो अब तारतम जब आया, श्री राजजी महाराज के अंदर श्री राजजी युगल स्वरूप पांचों शक्तियों के साथ महाराज ठाकुर के तन में विराजमान होकर हरिद्वार के अंदर विद्यावनंद बुद्ध निष्कलन का अवतार, यानी क्या मतलब, वो जागृत बुद्धि जो एते दिन संसार में हति बुद्ध सुपन सो बुद्ध जी जागृत बुद्धले प्रगटेपुरी नौतनपुरी में जागृत बुद्ध प्रगट हुई, जो सतगुरु श्री धनी देवचंद जी के अंदर प्रवेश किया, जिसने आकर के सारी बात को समझा। यदि तो हम प्रणामी सुंदर साथ हैं तो हमें वो जागृत बुद्ध मिले, जिससे ये प्रश्न स्वामी जी के ऊपर भी उन जितने भी अपने हिंदू धर्म के आचार्य जन थे उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, सुनो रे सतवादियों, कहूं सो सतगुरु मुखवान धनी मेरा प्रभु विश्व का, कि हम जो परम धाम की आत्माएं हैं तो परम धाम में यदि श्री राजी को हम प्रभु कहेंगे तो फिर वननेस रह नहीं सकती, क्योंकि भगवान और भक्त कभी एक जगह एकत्र एक भाव उनका नहीं हो सकता। तो हमारा जो है वो धनी है, हम अपनों धनी श्री, हमारा धनी ही श्यामा श्याम राज्य महाराज हैं, और वो जो पारब्रह्म अनादि अक्षातीत है वो दुनिया का धनी नहीं है, वो दुनिया का प्रभुता करते हैं, बनाते हैं मिटाते हैं, पालना पोषना अक्षर की शक्ति से हुक्म से होता है। तो हमारे ऊपर तो वो चीज नहीं होती,
प्रभुता जो होती है कर्मों के हिसाब से, वो चीज पालन पोषण से होती है। और हम तो श्री राजी महाराज के अंग हैं, तो क्या सूरज की किरणें सूर्य को अपना प्रभु कहें? इसी तरह से आत्मा का और पर आत्म परम धाम का जो संबंध है वो एक है, वो उसी तरह से है जैसे सूरज और सूर्य की किरणों का है। और वही चीज तो ग्रंथों में भी पहले से ही लिखी हुई है, पर कोई दुनिया उसको समझ नहीं पाई है। और कोई बात नहीं है, आत्म एव परमात्मा एक स्वरूप जहां होगा तो वहां प्रभु वाली बात नहीं चलेगी, वहां तो धनी और धनियानी की बात चलती है। इसलिए जो हमारा धनी है वो दुनिया का क्या है, वो परमात्मा है, जो गीता में भी कहा है परमात्मा इति उदारता वो उत्तमा वर्षस है, वो दुनिया का नाता है। तो वही स्वामी जी ने कहा कि तारतम तो एक आया है, लेकिन उससे क्या होना है? ब्रह्म सृष्टि को सुख घर का, ईश्वरी को देनी शुद्ध, और मुक्त करना ब्रह्मांड को धनी जी लाए हैं जागृत को। जागृत वो डेट ले तारतम ज्ञान। तो इस तारतम ज्ञान से जीव सृष्टि को क्या मिलना है? धनी नहीं मिलना, उनको क्या मिलनी है? मुक्ति मिलनी है, जो आज दिन तक कोई दे नहीं सका, तारतम की शक्ति से ही मिलनी है। और ईश्वर सृष्टि को क्या मिलना है? अक्षरातीत के माहौल में प्रेम शक वर्तत सो शुद्ध अक्षर को नहीं जो किन विद केली करत। तो ईश्वरी सृष्टि को तो शुद्ध हो जानी है, जो अक्षर को भी आज दिन तक नहीं थी, और अब हमें शुद्ध है कि हमारे धनी हैं। और आत्मा को मुक्ति नहीं चाहिए, आत्मा मुक्ति देने आई है। ये भेद हम जब ये समझ जाएंगे तो सारे भेद खुल जाएंगे। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनिया राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को कौन मुक्त देगा? आए ब्रह्म आत्मा सत। तो हम तो दुनिया को मुक्ति देने आए हैं, और शक्ति हमें प्राणनाथ जी ने ये तारतम ज्ञान की दी है। लेकिन हमें क्या मिला? हमको इससे पहचान हुआ है कि वो हमारे धाम के धनी हैं। तो हमें क्या मिला? धनी मिला। ईश्वर सृष्टि को क्या मिला? परम धाम के प्रेम आनंद की लीला की शुद्ध मिली। और उस तारतम से जीवों को क्या मिलना है? मुक्ति मिल जाएगी। तो हमारे तो भाई धनी मिले हैं, इसलिए हमारा सम्मान तो धनी है। अब थोड़े प्रश्न मंत्र के बारे में है। अमेरिका में आपने कुछ सुंदर साथ के घरों में देखा कि कुछ प्रणामी सुंदर साथ के घर अन्य प्रणामी अन्य पंथ के संत जनों ने जाकर गुरु मंत्र उनको दिया। उन्होंने सुंदर साथ को यह समझाया कि बिना गुरु मंत्र आप नी गुरु हो, तो गुरु मंत्र सभी को लेना आवश्यक है। तो प्रणामियों का क्या कोई गुरु मंत्र नहीं है? यदि है तो वह क्या है? तारतम मंत्र और गुरु मंत्र में क्या तात्विक भेद है, समझाइए। दरअसल बात यह है कि गुरु जन जो दीक्षा या मंत्र देते हैं वो उनका अपना मंत्र नहीं होता। गुरु मंत्र से तो फिर ये हो जाता है कि केवल गुरु को ही सब रूप से जानना। ये भेद नहीं हमारी हिंदू संस्कृति में। गुरु जन जो हमें मंत्र देते हैं वो किसी इष्ट के नाम से हमारा संबंध जोड़ते हैं। तो गुरु वो होता है जो किसी इष्ट के साथ संबंध जोड़ता है। तो कई लोगों ने इसको इष्ट का नाम बना करके गुरु मंत्र बना लिया। नहीं, मंत्र तो किसी शक्ति का स्वरूप का परमात्मा का होता है, बराबर। तो यहाँ वाले जो देते हैं वो गुरु के माध्यम से उन परमात्मा की भक्ति को लेकर के गुरु के आशीर्वाद से चलते हैं। और हमारा जो संबंध है, जैसे सतगुरु श्री धनी देवचंद जी को राजी महाराज ने आके पहचान कराई, और उसके बाद सबसे पहले जब श्री प्राणनाथ जी महाराज राजी महाराज उनके हृदय में विराजमान हो गए, तो अब वो सोचने लगे घर जाकर के भी ये मैं ज्ञान किसको दूंगा, मेरे पर कौन बिलीव करेगा, क्योंकि आज दिन तक ये बात तो जाहिर हुई नहीं। तब श्री राजी महाराज ने उनको प्रेरणा दी कि जहां तुम भागवत सुनते थे वहां गांगजी भाई भी अपने हैं और वो परमधाम की आत्म है, तुम उनके सामने चले चलो
अंदर राज्य में राज विराजमान है, बात मैं अपने आप करूंगा। तब उन्होंने क्षर से परे अक्षर योग माया और अक्षर और अक्षातीत की जब बातें कही, आप ध्यान दीजिए जरा, अब ऐसे नहीं प्रश्न करके आप ध्यान उधर कर देते हो, ये क्या हुआ। जब सुनाई पार की बान तब धनी की भाई पहचान। ये भेद है कि जो पार की वाणी है वहां पार जो है, पार का मतलब क्या है, वन स्टार्ट हो जाता है योग माया के ब्रह्मांड से, वहां ना भक्त है ना भगवान है, ना भक्ति है ना शक्ति है। ये चीज जो है, ये एक नेस देने के लिए जो है, ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान, इसमें वो द्वैतवाद वाली गुरु भक्ति वाली तो फिर बात ही कोई नहीं रह जाती। तो गुरु मंत्र जो खास है वो शायद लोगों ने कहां से गुरु मंत्र ले लिया, मंत्र गुरु का नहीं होता है। गुरु जो मंत्र देते हैं वो जैसे हनुमान जी का मंत्र है और शिव जी का मंत्र है नमो शिवाय इत्यादि, राम का मंत्र है और बाल कृष्ण गोपाल का मंत्र है जय श्री कृष्ण शरणम इत्यादि, तो उनके साथ गुरु जन संबंध जोड़ते हैं। और हमारा संबंध जो जोड़ते हैं वो तो खुद श्री राजी महाराज आके जोड़ते हैं, उनकी शक्ति जो है हमारी आत्म को अपने निजमूल स्वरूप के साथ जोड़ती है, इसलिए हमारा संबंध जो है वो है। और जो है अपने निजानंद संप्रदाय के अंदर भी जब गुरु भाव से कहना पड़ेगा तो जिसने हमारा संबंध जोड़ा है, आप श्री प्राणा जी के अंदर साक्षात हरिद्वार में युगल स्वरूप विराजमान हैं, श्यामा जी भी हैं, सतगुरु देवचंद जी विराजमान हैं, लेकिन जब शास्त्रकारों ने और उन्होंने सबने प्रश्न किया तो उन्होंने क्या कहा कि सतगुरु ब्रह्मानंद है, तो कहना पड़ेगा संसार में कि जिसने हमारा पारब्रह्म के साथ संबंध जोड़ा, तो जिन्होंने वो तात्म दिया तो उन्होंने राजीव राय के साथ हमारा संबंध जोड़ा कि अपने वजूद के साथ जोड़ा। तो इसलिए शायद कुछ, मैं तो ये सोचता हूँ कि आपके प्रश्न में ये गुरु मंत्र वाला बात, गुरु वननेस के साथ जो आपने एक गुरु की बॉडी के साथ कही है वो गलत है। गुरुजन तो वो होते हैं जो पारब्रह्म के साथ या किसी भी इष्ट के साथ हमारा संबंध जोड़ते हैं। तो हमारे संप्रदाय के अंदर संसार के किसी शक्ति के साथ तो संबंध जोड़ा नहीं जाता है, और पारब्रह्म के साथ जो संबंध है उसके लिए तो स्वामी जी ने कहा है कि क्षर अक्षर के पार है पिया अक्षरातीत, पिया बिना संबंध ना पाइए कोटिन करो आचार। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुजन ऋषि मुनि अनादि काल से शिव सनकादिक आदि के इंचत शेष न पाए, उनको पार नहीं पा सके। और हमें जो बिन सुगम सरल स्वामी जी ने क्या कहा कि जिस पार ब्रह्म को कोई पा नहीं पाया सो ब्रज की सुंदरी पायो सहल, जो सहल आराम से हमें घर बैठे मिल गया, वो किस कारण से कि हमारा मूल संबंध पहले धनी के साथ था, हम माया में आके भूले थे, और जैसे ही उस आत्म को जिस तन में होती है थोड़ा सा झुंझुला जाता, अरे भाई छोड़ नींद को, वो जागती है तो तुरंत उसको हो जाती है, अरे मेरे तो धाम धनी है, मैं इधर आके कहाँ भूल गया था, तो वो तुरंत धनी पकड़ती है क्योंकि मूल संबंध। फिर हमारा संबंध जो है मूल धनी का होने के कारण से तो वहां मंत्र वाली कोई बात चलती नहीं। भव श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, भव श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो अर्ज करूं मेरे पीयू जी, पिया हम जैसे तुम जिन करो मेरा तर तरप जाए जीव जी, जीरा तो जी वे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी, पिया तुम बिना मैं किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी, आ बिना
तू